हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म मींस एक्स प्लस ऑल्टा वाई की फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करना है, और अगर पोलर फॉर्म है तो उसको एक्स प्लस ऑल्टा वाई मींस रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स प्लस ऑल्टा वाई अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म होगी तो उसकी पोलर फॉर्म हम एज्यूम करेंगे आर कॉस थीटा प्लस ऑल्टा आर साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है माइनस वन प्लस रूट थ्री ऑल्टा, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे लेट पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बी आर कॉस थीटा प्लस ऑल्टा आर साइन थीटा। अब हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करेंगे। ओके, तो पहले हम इक्वेट करेंगे रियल पार्ट्स। नाउ इक्वेटिंग रियल पार्ट्स। रियल पार्ट्स क्या है? लेफ्ट साइड का रियल पार्ट है माइनस वन एंड राइट साइड का रियल पार्ट होगा आर कॉस थीटा। ओके, नाउ वी विल इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स। इमेजिनरी पार्ट्स अब इक्वेट करने हैं दोनों साइड पे। लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट है रूट थ्री एंड राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट होगा आर साइन थीटा। ओके, इमेजिनरी पार्ट मीन्स कॉफिशियंट्स ऑफ ऑल्टा। ओके, नाउ ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एक बार हमने दोनों को स्क्वेयरिंग करनी है, देन एडिंग करनी है। क्लियर स्टूडेंट? अब दोनों की स्क्वेयरिंग करेंगे तो फर्स्ट की जब हमने स्क्वेयरिंग की बाय स्क्वेयरिंग तो हमारे पास आ गया माइनस वन का स्क्वायर इज वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एंड इसकी स्क्वायरिंग जब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन की तो ये हमारे पास बनेगा रूट थ्री। रूट थ्री का होल स्क्वायर विल बी थ्री इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ ये बन गई थर्ड इक्वेशन एंड ये बन गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। नाउ एडिंग थर्ड एंड फोर्थ तो इसे मिलेगा हमारे पास, देखिए वन प्लस थ्री। लेफ्ट को जब भी हमने ऐड करना है तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में ऐड करेंगे। नाउ वन प्लस थ्री, दिस इम्प्लाइज वन प्लस थ्री इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वन प्लस थ्री विल बी फोर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ दिस विल बी, दिस इम्प्लाइज फोर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा वन। सो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एंड दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से टू। वैसे तो प्लस माइनस टू आएगी पर हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, दिस इज टू, तो हमारे पास आ गई आर की वैल्यू। सिंपली हमने क्या करना है, आर कॉस थीटा प्लस ऑल्टा आर साइन थीटा हमारे पास पोलर फॉर्म है तो हम आर की वैल्यू निकालेंगे एंड थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हमने इक्वेट करना है दोनों इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस की स्क्वायरिंग करनी है, देन इनको ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को। ऐड करके हमारे पास पहले आर की वैल्यू आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम निकालेंगे थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू देखिए कैसे निकालनी है, जो हमारे पास सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन होगी तो इनको हमने डिवाइड करना है, मीन्स हमने टेन थीटा बनाना है इसमें। ओके, तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा, नाउ डिवाइडिंग फॉर थीटा, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, तो ये बनेगा देखिए आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय माइनस वन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बन गया हमारे पास, देखिए आर के साथ आर कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस विल बी टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद देखिए क्या करना है, हमने थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है। सबसे पहले अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा हमारे पास क्या है यहाँ, नेगेटिव। ओके, यहाँ देखेंगे हम। नाउ हमने सिंपली क्वाड्रेंट चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है इसमें। जैसे हमारे पास देखिए कॉस का, कॉस क्या है, नेगेटिव। यहाँ आर को हमने इग्नोर करना है, आर नहीं देखना है, सिंपली हमने सिर्फ साइन देखना है। तो कॉस थीटा क्या हो गया यहाँ, नेगेटिव। अब देखना है कि कॉस थीटा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा। नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, नाउ अब हम देखेंगे, देखिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या है यहाँ, पॉजिटिव। तो साइन थीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन एंगल, जो कॉमन क्वाड्रेंट होगा वही हमने लेना है। जैसे ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट, और सिंपली हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हमारे पास फोर क्वाड्रेंट्स हैं इसमें साइन कौन सा है, देखिए नेगेटिव
पॉजिटिव, ये साइन कौन सा हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास, पिछले वीडियो में मैंने बताया है जैसे हमने एम्पलीट्यूड निकालना है बिल्कुल सेम और ऐसे ही हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है इसमें। ओके तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो ये बन गया हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, तो इससे हमें पता चल गया कि क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके तो इसमें थीटा लाइज इन, हमने देख लिखना है पहले, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास, सो थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में है हमारे पास 90 डिग्री प्लस थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री प्लस थीटा हमने नहीं लेना है, 180 माइनस थीटा ही लेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा। थीटा क्या होगा, अब देखिए टेन की वैल्यू रूट थ्री किस एंगल पर होगी, 60 डिग्री के ऊपर। ओके तो ये बनेगा हमारे पास 60 डिग्री। इसका हमने साइन नहीं देखना है, सिंपली हमने सिर्फ ये इतना चेक करना है कि टेन की वैल्यू रूट थ्री किस एंगल पर होगी। सिंपली हमें इससे पता चल जाएगा कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री आ गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, 120 डिग्री। सो इसकी जो पोलर फॉर्म होगी, पोलर फॉर्म क्या आएगी, आर। आर की वैल्यू क्या निकाली है हमने, 2, ये आ गया 2। और इसमें कॉस थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री प्लस ऑयटा साइन 120 डिग्री, आर हम बाहर कॉमन निकाल देंगे। ओके तो ये होगी इसकी पोलर फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए, इसमें दोनों ही साइन क्या होंगे, नेगेटिव। पहले इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे, आर कॉस थीटा प्लस ऑयटा आर साइन थीटा। देन रियल पार्ट्स को इक्वेट किया हमने, तो लेफ्ट साइड में है माइनस रूट सिक्स एंड राइट साइड का एक रियल पार्ट है आर कॉस थीटा। देन इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट है माइनस रूट टू एंड राइट साइड का है आर साइन थीटा। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन होगी, देन इनको स्क्वायरिंग किया हमने सेम ऐसे ही फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह, सिक्स आ गया इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एंड सेकेंड इक्वेशन की स्क्वायरिंग की, तो ये बन गया रूट टू का स्क्वायर आ गया 2। ओके एंड नेगेटिव है तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देन इनको ऐड किया दोनों को, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को, दिस विल बी 6 प्लस 2 विल बी 8 एंड आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया सॉल्व करके सिंपल आर स्क्वायर। ओके तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 2 रूट 2 पॉजिटिव। ओके अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों को डिवाइड करना है हमने सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन को, तो हमारे पास आ गया आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, इनको भी डिवाइड किया तो हमारे पास सिंपली बन गया सॉल्व करके टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब इसमें हम एंगल देखेंगे और एंगल निकालेंगे, उसके लिए हम पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे। ओके अब इसके दोनों ही साइन क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा, इसमें हम सिंपली शॉर्टकट के मेथड से ही देख सकते हैं। ओके कि क्वाड्रेंट कौन सा है इसमें, क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया, डैट मीन्स ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ओके नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, तो दोनों ही साइन अगर नेगेटिव हो जाएं, डैट मीन्स दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसको हम लिखेंगे थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा थीटा, देन डैट मीन्स इसमें कौन सा होगा, देखिए 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। इसमें है 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। तो 270 एंड 90 मैंने आपको बताया हुआ है कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री हमने किसी में भी नहीं लेना, तो 180 डिग्री ही को ही लेंगे। ओके तो 180 डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा इसमें, देखिए टेन की वैल्यू 1/√3 किस एंगल पर होगी, 30 डिग्री पर। तो सिंपली यही इसको यूज़ करेंगे 30 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 210 डिग्री। तो हमारे पास एंगल बन गया 210 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो पोलर फॉर्म बन गई, नाउ दिस इज इक्वल टू 2√2, अंदर आ गया कॉस थीटा, कॉस थीटा थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 210 डिग्री प्लस ऑयटा साइन 210 डिग्री, ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे कि पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखिए हमारे पास है इसमें आर की वैल्यू क्या है, 4 एंड थीटा की वैल्यू क्या है इसमें, 300 डिग्री। ओके तो सिंपली क्या करना है, एक्स प्लस ऑयटा वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस ऑयटा आर साइन थीटा, ये हो गया। ओके इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा एंड वाई की वैल्यू क्या है, आर
साइन थीटा। तो इसमें सिंपली आर एंड थीटा की वैल्यूज को पुट करना है और इनको सॉल्व करना है। नाउ एक्स इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू क्या है 4, कॉस 300 डिग्री, कॉस 300 डिग्री को हम सॉल्व कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। नाउ 360 माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होगा पॉजिटिव, तो ये बन गया हमारे पास 4 कॉस 60 डिग्री, एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2, एंड सो दिस विल बी 4 × 1/2 इज इक्वल टू 2। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। नाउ अब हम निकालेंगे वाई की वैल्यू, वाई इज इक्वल टू आर कॉस आर साइन थीटा, सो दिस विल बी आर की वैल्यू है 4 × sin 300 डिग्री, एंड दिस विल बी 4 × sin 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 4। नाउ अगेन 360 माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होगा नेगेटिव, सो दिस विल बी नेगेटिव साइन 60 डिग्री। सो ये वैल्यू होगी इसकी मल्टीप्लाई बाय माइनस √3/2, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2 × 2 = 4 आ गया, तो ये बनेगा −2√3। ओके, तो x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म आ जाएगी, रेक्टेंगुलर फॉर्म विल बी x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू क्या है −2√3 ऑल्टा, ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही हम कर सकते हैं 4, यहाँ r की वैल्यू है 4 एंड थीटा की वैल्यू होगी −330 डिग्री। ओके, तो इसमें भी सिंपली हम cos एंड sin 330 डिग्री ही फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए, अब देखिए x की वैल्यू क्या होगी r, r क्या है हमारे पास 4 cos −330 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 4, देखिए cos माइनस थीटा इज पॉजिटिव cos थीटा, सो ये बनेगा cos 330 डिग्री, 4 cos 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, एंड 360 माइनस थीटा इज अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होगा पॉजिटिव, सो दिस विल बी 4 × cos 30 डिग्री, एंड cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, सो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 2√3। नेक्स्ट सेम ऐसे ही हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं 4 × sin −330 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 4 − sin 330 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू −4 sin 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, एंड इज इक्वल टू −4, एंड ये होगा अब नेगेटिव, क्योंकि साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो ये बनेगा −(sin 30 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × sin 30 डिग्री इज 1/2, तो ये आ गया हमारे पास 2 आंसर। ओके, तो ये फॉर्म क्या आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा हमारे पास, x की वैल्यू 2√3 और y की वैल्यू क्या है 2 ऑल्टा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होगी पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म को में कैसे कन्वर्ट करना है और रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।